अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान और मेरा नाम है करिश्मा वकार। फिटनेस के मामले में हम जैसे कई लोग जो हैं वो गफलत बरतते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने फिटनेस की दुनिया में एक अलग ही मिसाल कायम की है। अमूमन 76 साल के लोग जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कोई भी मुशक्क़त बड़ा काम नहीं कर सकते, ना ही कोई भारी वज़न उठा सकते हैं। लेकिन पंजाब के शेर, जिनका ताल्लुक जो है चंडीगढ़ से है, त्रिपात सिंह, उन्होंने बिल्कुल इसके बरअक्स काम जो है वो कर दिखाया है। त्रिपात सिंह इंस्टाग्राम पर एज अ फिटनेस मॉडल माने जाते हैं और उनके हज़ारों में फॉलोवर्स भी हैं और वो लोगों को मुफ्त फिटनेस टिप्स भी देते हैं। लोग ख़ुद उनसे रब्ता करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें टिप्स दी जाएँ, और वो लोगों को ऐसी आसान टिप्पे देते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो आसानी से फिट हो जाते हैं। त्रिपात सिंह ऐसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं भारी वज़न के साथ जो आजकल के नौजवान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर त्रिपात सिंह से उनकी कहानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 1999 में उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए थे और उन्होंने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। और इसके साथ साथ वो अपने बिज़नेस की तरफ भी तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से उनका काम बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर उनकी अहलिया उन्हें इस तरह से देखेगी तो वो कितनी ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी। उसी दिन से उन्होंने सोच लिया कि वो अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और अपने ऊपर तवज्जा देंगे। उन्होंने फिटनेस का ये अमल 60 साल की उम्र में शुरू किया और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि लोग उन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। त्रिपात सिंह की कहानी से हम बहुत सारे लोग जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। त्रिपात सिंह की इस कहानी ने लोगों को उनकी तरफ जो है वो मुतवज्जो भी किया, क्योंकि उनकी उम्र 76 साल है और 76 साल के लोग ऐसा काम करके दिखाएं तो यकीनन एक हैरत अंगेज़ बात होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। व्लॉग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।